फ्रेंड्स, आज मैं एक और ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेकर आ गया हूँ और वो कंपैरिजन है विकेट कीपर्स वर्सेस ऑलराउंडर। तो दोनों टीमों का रूल्स बताऊँ तो विकेट कीपर्स में बॉलर्स होंगे और ऑलराउंडर्स की टीम में सिर्फ एक विकेट कीपर होंगे और कुछ भी नहीं होगा ऑलराउंडर के अलावा। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा और टिल एंड ऑफ द वीडियो बताइएगा कि आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे अदर चैनल क्रिकेट को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ना करना भूलिएगा। क्रिकेट टॉक टाइम के नेम से इंस्टाग्राम सर्च कीजिए, वहाँ से हम वीडियो कॉल करिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी करिए, मजा कीजिए। हमारे अदर चैनल क्रिकेट को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास जो है वो जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले बनाई है ऑलराउंडर्स की टीम को। तो आपको क्या लगता है फर्स्ट कौन आएगा? आप चौंक जाएंगे, बेन स्टोक्स आएंगे फ्रेंड्स, जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग कर चुके हैं और बहुत अच्छी ढाकर ओपनर बन चुके हैं। 100 भी लगाया है इन्होंने, तो इसलिए मैं रखा है बेन स्टोक्स को। और सेकेंड विकेट शॉट देंगे ऑस्ट्रेलिया के ढाकर ओपनर शेन वॉटसन, और ये T20 ऑलराउंडर ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं शेन वॉटसन, जो आपको याद होगा। और फिर मैंने रखा सैम करन को, ये भी चौंकाने वाला नहीं था। सैम करन को आप नीचे भेजो तब खेल लेंगे, ऊपर भेजो तब खेल लेंगे, कहीं भी खेल लेंगे, बहुत कंसिस्टेंटली प्लेयर है, छक्के भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा छक्के लगाए हैं और बॉलिंग भी करते हैं बहुत अच्छे से। तो अब चलिए हम लोग, मैंने रखा एक विकेट कीपर को, निकोलस पूरन को, जो इस टीम की आपको विकेट कीपिंग करते हुए नज़र आएंगे। और फिर रखा है ग्लेन मैक्सवेल को। एक सीज़न ख़राब होने से क्या हो गया दोस्तों, ये बहुत होनहार प्लेयर है और छक्के भी तगड़ी हिटिंग करके देते हैं, इसे मैं रखा है ग्लेन मैक्सवेल को। फिर मैं रखा केरन पोलार्ड को, जो इस टीम की आपको कैप्टनसी करते हुए नज़र आने वाले हैं। ये मुंबई इंडियंस के उप कप्तान हैं, ये वेस्ट इंडीज़ के कप्तान हैं और CPL के भी कप्तान हैं, और CPL इन्होंने जिताया भी अपनी टीम को। फिर मैं रखा हार्दिक पांड्या को, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और ऐसे भी ये T20 गेम होने वाला है तो हार्दिक पांड्या तो इसमें छक्के लगा लगा के मैच तो जिता ही देंगे। तो फिर मैं रखा है रविंद्र जडेजा, सर जडेजा डड्डू विल बी देयर, तो काफ़ी अच्छे गेंदबाजी कर चुके हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और फिर मैं रखा है बॉलिंग ऑलराउंडर पैट कमिंस को, जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और फिर मैं KKR और इंग्लैंड के क्रिस वोक्स को, जो काफ़ी खतरनाक ऑलराउंडर हैं। और फिर मैंने रखा है एडम जैम्पा को, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, ऑस्ट्रेलियन बॉलर विल बी देयर, मीन्स ऑलराउंडर विल बी देयर। अब चलिए हम लोग विकेट कीपर की बात करें, तो मैंने रखा है द ऑरेंज कैप होल्डर KL राहुल, जो इस टीम की विकेट कीपिंग कर सकते हैं। इस टीम की विकेट कीपिंग वो नहीं करेंगे, ये भी एक विकेट कीपर है टेम्पोररी, ये करते भी हैं। और फिर मैंने रखा है क्विंटन डिकॉक को, साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे फॉर्म से है फिलहाल। और फिर मैंने रखा है जॉस्ट बॉस, जॉस बटलर विल बी देयर, जो इंग्लैंड के होनहार बैट्समैन हैं और ये ऊपर आने वाले हैं। फिर मैं रखा ईशान किशन को, जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले और काफ़ी प्रभावित किया इस युवा यंगस्टर ने, इसीलिए मैं रखा है ईशान किशन को, जो काफ़ी तगड़ी हिटिंग भी करते हैं। और फिर मैं रखा मिस्टर 360 AB de Villiers, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि इन्हें मैं टीम से बाहर निकालूं, मैंने अपनी टीम से बाहर नहीं निकाल सकता, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि मैंने टीम से नहीं निकालूंगा इन्हें, तो आप ढूंढ रहे ही होंगे। और मैंने यहाँ पे रखा है AB de Villiers को, जो विकेट कीपर हैं। और फिर मैंने रखा महेंद्र सिंह धोनी को, जो इस टीम की कैप्टनसी और विकेट कीपिंग दोनों ही करेंगे। अपनी टीम भी ज़रूर बनाइएगा और कैप्टन भी और विकेट कीपर भी लिखना ना भूलिएगा। और फिर मैंने रखा महेंद्र सिंह धोनी को, जो बहुत अच्छे होनहार बैट्समैन हैं। और फिर मैंने रखा है टॉम लेथम को, जो बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं न्यूजीलैंड की। और फिर मैं रखा राशिद खान, करामाटी खान, खान साहब, आप जो भी बोलिए, अच्छे स्पिनर हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं। और फिर मैंने रखा जोफ्रा आर्चर को, जब प्रेडिक्टर विल बी देयर, तो काफ़ी अच्छे बाउंसर देते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से पेस भी आता है। और फिर मैं रखा ट्रेंट बोल्ट को, जो बहुत तेज़ी से देते हैं बॉलिंग बॉल को।
और फिर उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह, बोल्ट और बुमराह ने मिलकर काफ़ी अच्छा योगदान दिया मुंबई इंडियंस की तरफ से। चलिए अब हम लोग पूरी टीम की बात करते हैं। तो पूरी टीम कुछ इस तरीके की दिख रही है। बेंस लोग शेन वॉचन सा करण पूरन मैक्सवेल पोलार्ड हार्दिक जड्डू पैट कमिंस वोक्स एडम सांपा। तो अब विकेट कीपर्स की टीम की बात करें तो केएल राहुल डिकॉक जॉस पटेल ईशान किशन एबीडी एमएसडी टॉम लेथम राशिद जोफ्रा ट्रेंट बुमराह। तो पूरी टीम कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो किस टीम के आप साथ जाना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।